नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो कालगणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में। नवंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए बेहद खास होने वाला है। उनके लिए आने वाला समय ग्रहों का ऐसा योग बन रहा है, माता रानी महालक्ष्मी का दीपावली से पहले उनको आशीर्वाद मिलने जा रहा है। क्या है ग्रहों का ऐसा योग जो आने वाला समय कुंभ राशि का बहुत ही अच्छा आने वाला है। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में माता रानी का आशीर्वाद बरसने वाला है। आपकी हर मनोकामना माता रानी पूर्ण करने वाली है। आप कमेंट में जय माता जरूर लिखें कि 1 नवंबर से आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। देखिए, अभी तक आपके तृतीय भाव में जो पराक्रम भाव था वहाँ पर गुरु चांडाल दोष बना हुआ था, और ये दोष जैसे ही समाप्त हो जाएगा और 1 नवंबर की जो तारीख होगी आपके लिए परिवर्तन की तारीख होगी। एक नया सुबेरा आपके लिए आएगा, क्योंकि आपके तृतीय भाव में देवक गुरु बृहस्पति स्वच्छंद फल देने के लिए तत्पर होंगे, और राहु ग्रह गुरु चांडाल दोष को भंग करके आपकी राशि से द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएंगे। और शनि ग्रह आपकी राशि में 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, और केतु ग्रह अष्टम में विराजमान हो जाएंगे। ये 4 ग्रह ही बहुत इंपॉर्टेंट फल देने वाले हैं आपके लिए। वो क्या होने वाला है आपके जीवन बेहद खास, देखिए। तो आपकी राशि से तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान, ये पराक्रम का भाव है, विल पावर का भाव है, आत्मविश्वास का भाव है। तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, और साथ में आपके जो खोई हुई शक्तियाँ थी, जो आप अपनी शक्ति को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आप अपने को समझ नहीं पा रहे थे कुंभ राशि वालों, क्योंकि आप ज्ञानवान हैं और ज्ञान आपका साथ नहीं दे रहा था, यानी कि आपके कहीं भी कारोबार, जो भी आप काम करते हैं वहाँ ज्ञान आपका साथ नहीं दे रहा था। आपके घड़े के जैसे आप हैं, यानी गूढ़ ज्ञानी आप हैं। कुंभ राशि जो है ज्ञानी राशि है, साथ में वृद्ध। कुंभ राशि के वचन जो होते हैं बूढ़े व्यक्ति की तरह होते हैं, यानी जो बात भी बोलता है वजनदार बात बोलता है। तो आपके लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं था। देवक गुरु बृहस्पति गुरु चांडाल दोष में थे, इसलिए आप अपनी शक्ति, ज्ञान की शक्ति खोए हुए थे। तो अब आपका ज्ञान की जो शक्ति है वो शक्ति बढ़ेगी, और आप सूझबूझ और आपके जीवन में निखार आएगा, ऊर्जा बढ़ेगी, साथ में आपके जीवन में वाणी में मिठास पैदा होगी, आपका मन अध्ययन करने के लिए लग जाएगा, और चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव, ये सब चीज़ अब समाप्त हो जाएंगे आपके लिए। वाणी में भी निखार आएगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, आत्मविश्वास जो आप खो चुके थे वो आत्मविश्वास आपको प्राप्त होगा, और आप फिर उठ खड़े होंगे नए कार्य को करने के लिए। जो आपने पहले जो काम किए उनमें आपकी उन्नति नहीं हो पा रही थी, आप परेशान हो रहे थे, लेकिन अब दोबारा आप 1 नवंबर से ऐसा योग बनेगा कि तुम आपको लगना ही पड़ेगा नए कामों पर, और अपने नए काम जो सोच रहे थे आप उन कामों को करना प्रारंभ किया। नवीनता आपके अंदर आएगी, और आपके मित्र, सहयोगी, जनता से जुड़े हुए जो काम हैं, जो पार्टनरशिप के काम हैं, इनमें आपकी दुगनी वृद्धि होने के योग बनते हैं, और जो काम करेंगे उसमें भाग्य आपका साथ देगा। अब 100% भाग्य आपका साथ देगा और धर्म आपका साथ देगा। अगर आपने उपासनाएं की हैं कुंभ राशि वालों, आपकी उपासना, जो आपने संचित कर्म किया है, जो पहले आपने कर्म किया है, वो कर्म आपको अब वो फसल काटने का समय आ गया है। जो फसल आपने बो रखी थी वो फसल काटने का समय आ गया है आपका। और दाम्पत्य जीवन में जो भी मतभेद की स्थितियां थी वो समाप्त हो जाएंगी, क्यों राहु की दृष्टि थी दाम्पत्य भाव में, तो मतभेद की स्थितियां आ रही थी कुंभ राशि वालों की, मतभेद की स्थितियां समाप्त होंगी, पार्टनरशिप के काम बनेंगे, विवाह का योग बनेगा आपका, रोजगार में वृद्धि के अवसर मिलेंगे, माता पिता के स्वास्थ्य में जो भी परेशानी थी
पैतृक संपदा कहीं आपकी फंसी पड़ी हुई थी, कुछ विवाद था पैतृक संपदा में, पैतृक धन संपदा में, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी कुटुंब परिवार में, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं समाप्त होगी। पैतृक धर्म का आपका साथ मिले, बड़े बुजुर्गों का आपका साथ मिलेगा आपको, आपके सीनियर और जूनियर जो भी हैं सब आपका सम्मान करेंगे, आपकी जो मेहनत रंग लाएगी, अब आप जो भी परिश्रम करेंगे उसका परिश्रम आपका साथ देगा। उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, आप कहीं जगह से धन संपदा की वृद्धि के योग बने, यानी कि आप जो काम करते हो उसके साथ साथ आप दूसरे काम भी कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ती है। तो आप देवगुरु बृहस्पति बता रहे हैं कि आप लाभ के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, साथ में जितना आप परिश्रम करेंगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा, ये तो निश्चित है। और साथ में आपकी उन्नति के जो दरवाजे रुके पड़े हुए थे, बंद पड़े हुए थे, वो सारे दरवाजे आप खुलेंगे, उन्नति के रास्ते खुलेंगे, विघ्न बाधा जीवन में जो भी हैं वो विघ्न बाधा दूर होंगी। विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा है, संतान पक्ष की से भी जो समस्याएं थी वो समस्याएं कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे समाप्त होंगी। जो कुंभ राशि के बच्चे हैं जिनके वो कहीं चिड़चिड़े थे या उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी थी, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, माता पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार, साथ में कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। लेकिन हल्का फुल्का आपने, कुंभ राशि वालों ने जैसे उनका जीवन चल रहा था, आपने धार्मिक कार्य करते रहे, साथ में व्यसनों का आपने बिल्कुल भी सेवन नहीं करना, यानी भोग विलासिता से बच के रहना, क्यों द्वितीय भाव में राहु जाने से, वाणी के भाव में राहु जाने से कहीं ना कहीं आप खाने पीने में कुछ आपकी आदत लत लग सकती है, इसलिए आपने उससे बचना है। और अपने मित्रों से, ऐसे मित्रों से भी बचना है जो आपको गंदी लत लगा सकते हैं। कुंभ राशि वालों को वैसे भी शनि की राशि है, तो आपने बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ में आपकी राशि में ही शनि ग्रह 4 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे, तो सत्पुरुष नाम का जो योग है एक्टिव हो जाएगा आपके ऊपर। शनि की 7.5 है, लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़िया योग आपके लिए बना, शनि ग्रह कह रहे हैं जो आपने कर्म किए आपको फल मिलेंगे, धीरे 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 मैं आपको अच्छी पोजिशन पर आपको पहुँचा दूंगा, जहाँ आप जिस चीज़ के आप हकदार हैं, तो बढ़िया है। साथ में विधि संबंध में, विदेश में जो भी मुसीबतें होंगी कुंभ राशि वालों की, कोर्ट कचहरी के जो मामले होंगे उनमें आपको विजय प्राप्त होगी। साथ में विदेश में आपके उन्नति के योग बनते, विदेश जाने का योग भी कुंभ राशि का बन रहा है, परफेक्ट बन रहा है। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी भी बाहर जाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। कर्जा आप लेंगे भी और उतारेंगे भी, कर्जा आपका कम भी होगा और फिर आप चढ़ाएंगे भी, क्योंकि कर्जा पैसा आपका आता जाता रहेगा, खर्चा भी अधिक होगा और साथ में धन लाभ भी आपका बहुत होगा। अब 1 नवंबर के बाद ऐसा योग बन रहा है और आपके अंदर अब वो पहले ऐसे व्यक्ति नहीं रहेंगे, एक अलग ही आप दिखोगे, आपके वाणी में, चलने में, उठने में, बैठने में, वस्त्र पहनने में, आभूषण पहनने में कुछ अलग ही रंगत दिखेगी, चेहरे पे नया तेज दिखेगा और प्रसन्नता मुरझाया हुआ चेहरा अब आपका नहीं दिखेगा। साथ में मानसिक तनाव जितना चिड़चिड़ापन है वो सब आपने दूर करना है, बिल्कुल नहीं सोचना उसके बारे में, और नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, यानी नेगेटिव सोच आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, और साथ में पॉजिटिव आप सोचें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं। और अगर कुंभ राशि वाले भूमि, भवन, वाहन कुछ खरीदना चाहते हैं, ये भी आपके लिए परफेक्ट योग बन रहा है। भूमि, भवन, वाहन का भी आपको लाभ अब होता हुआ दिख रहा है। प्रिय दर्शकों, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।